हेलो, शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें लाजमी, क्योंकि मैं जो आपके सामने वोकैबलरी लाता हूँ ये मैं खास तौर पर बड़ी मेहनत के साथ लाता हूँ। उसके मल्टीपल यूजेज बताता हूँ, नाउन, एडजेक्टिव, इस तरह के। प्लस मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सेंटेंस आपके सामने रखूँ ताकि जिसे आप एफिलिएट कर सकें, आपके सामने एग्जाम्पल एक स्केच बन सके। तो मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रावेजेंस, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है वेस्टिंग मनी विदाउट रिस्ट्रेंट एंड कंट्रोल। इतना ज्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हो विदाउट कंट्रोलिंग, यानी कि आप पैसे लुटाए जा रहे हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपने ऐसे शादी में चले गए, ठीक है, आपने बगैर किसी उसमें इतना लुटा दिया पैसा, इतना लुटा दिया, तो वो आप कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंस, ठीक है? इसका दूसरा मीनिंग एक्सेसिव एलैबोरेशन, यानी कि आप स्पीच दे रहे हैं और इतनी ज्यादा आपने इलेबोरेशन कर दी, यानी कि जितनी करनी भी नहीं थी वो सेम मीनिंग है, बस ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग है। सेंटेंस देख लेते हैं। द ऑस्टेरिटी मेजर्स, ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं? यानी कि आप कोई भी चीज को यानी कि कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है, कि मैं ज्यादा ज्यादा हमें तरीके से खर्च करना है, ये सारी चीजें। ऑस्टेरिटी मेजर्स वुड होपफुली स्टॉप एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ द पब्लिक मनी, कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं जो ये लिए जा रहे हैं कि आपने सही तरीके से खर्च करना पैसा, वो होपफुली रोक दे जो पहले से हम इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, पब्लिक मनी की बात हो रही है, तो ठीक है। अब अगला सेंटेंस, अ गुड पब्लिक स्पीकर्स स्पीच अ गुड पब्लिक स्पीकर स्पीकर स्पीचेस लैकोनिकली रादर इन एक्सट्रावेजेंट वे। जो अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है, ठीक है, वो स्पीच देता है लैकोनिकली। लैकोनिकली का क्या मतलब होता है? मुख्तसर, बहुत कम में और बहुत अच्छा बात कहना, ठीक है। वो जो एक अच्छा स्पीकर होता है वो लैकोनिकली मुख्तसर बोलता है, ना कि एक्सट्रावेजेंट वे, यानी कि इतनी ज्यादा बात कर दी, ठीक है।